नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। आज के इस बुलेटिन में आपका तहे दिल से स्वागत है। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आइए डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। नागरिक सत्याग्रह पैदल यात्रा जो 2 फरवरी को चौरी चौरा गोरखपुर से शुरू होकर महात्मा गांधी समाधि स्थल राजघाट नई दिल्ली तक जाएगी, उसका आगमन आज नगर के गांधी तिराहे के पास गांधी प्रतिमा पर यात्रा में शामिल लोगों ने सर्वधर्म की प्रार्थना की और आगे मऊ की तरफ प्रस्थान किए। उन लोगों ने बताया कि हमारा सत्याग्रह अपने अंदर के झूठ, डर और हिंसा के खिलाफ है। साथ ही हाल ही में उत्तर प्रदेश में NRC CAA आंदोलन में आमजन के ऊपर हुए बर्बर जुल्म और दमन के खिलाफ भी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। अच्छा, यहाँ किस लिए आप लोग आए हैं? हमारी एक यात्रा है जो वर्तमान समाज में जो नफरत है, जो हिंसा है, जो पुलिसिया हुकूमत का जो जुल्म है, जो आंदोलनों पे हमला हो रहा है, जो आपसी समाज में भाईचारे में बंटवारा हो रहा है, उसको लेकर के हमारा समाज से कुछ सवाल है, अपने से कुछ सवाल है, उसको लेकर के चौरी चौरा से लेकर के चौरी चौरा गोरखपुर से लेकर के राजघाट तक एक मार्च है जिसका आज पड़ाव आजमगढ़ है। हम आजमगढ़ में एक पद यात्रा। कौन सी तारीख को आपका यात्रा शुरू हुआ? हमारी यात्रा 2 फरवरी से शुरू है, 2 फरवरी से, और आज यात्रा का चौथा दिन है। अब 2-3 इसी तरीके से आज 7 तारीख है, 5वां दिन है आज, छठा। आपके साथ लगभग इस यात्रा में कितने लोग शामिल हैं? हमारे साथ इस यात्रा में 10 से 12 छात्र शामिल हैं जो लगातार आजमगढ़ में आए हैं। आप लोग को आजमगढ़ शहर से कुछ छात्रों का सहयोग मिला है आपके साथ शामिल होने वाले हैं? छात्रों का सहयोग मिला आजमगढ़ के साथ। एक खास चीज़ ये है कि आजमगढ़ 1857 की क्रांति से लेकर के आज तक जो हमारे साथ कैसी आजमी की धरती रही है, राहुल शास्त्री तैन की धरती रही, जो आज कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार के द्वारा बदनाम करने की जो कोशिश हो रही है, वो चाहे अब मुस्लिम के नाम के साथ जोड़कर हो या तमाम चीज़ों के नाम के साथ जोड़कर हो, हम चाहते हैं कि जो इस शहर की बदहाल स्थिति है उससे ध्यान मोड़ा जाए, जो साहित्य की धरती रही है, जो क्रांति की धरती रही है, उस तरफ बढ़ा जाए। आगे आप किस रूट की तरफ प्रस्थान करें? यहाँ से हम अहमदाबाद गोहना होते हुए मऊ की तरफ बढ़ेंगे। खबरों की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हर खबर की करंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।